राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आम जनता से की अपील, कहा वोट दें ताकि कोई आपके अधिकारों का गला ना घोंट दे। राहुल ने ट्वीट कर किया बीजेपी पर वार। यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने साधा सीएम योगी पर निशाना, कहा यूपी में कानून का नहीं अत्याचार का राज है। प्रियंका ने ट्विटर पर कहा उत्तर प्रदेश की जनता इन 5 सालों का हिसाब मांगने के लिए तैयार है। बीजेपी और शिवसेना के बीच छिड़ी हिंदुत्व की जंग, शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी तो नव हिंदुत्ववादी है लेकिन शिवसेना देश की पहली ऐसी पार्टी है जिसने हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जुवानी जंग हुई तेज, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर साधा निशाना, ओवैसी ने कहा बाबा मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चला चुनावी दांव, कहा दिल्ली सरकार के दफ्तरों में नेताओं की नहीं बल्कि अंबेडकर और भगत सिंह की लगेंगी तस्वीरें। कांग्रेस नेता आरपीएन सिंह ने छोड़ा कांग्रेस का साथ, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आरपीएन सिंह ने भेजा इस्तीफा, कहा नया अध्याय शुरू कर रहा हूं। महाराष्ट्र के वर्धा में हुआ भीषण सड़क हादसा, पुल से नीचे गिरी कार, कार में 7 मेडिकल के छात्र सवार थे, कार गिरने से 7 की जान चली गई। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना को लेकर दुख जताया है, साथ ही मृतक के परिजनों को 2 लाख मुआवजा देने की घोषणा की। कोरोना की रफ्तार हुई धीमी, कल की तुलना में 50,000 मरीज कम, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,55,000 से ज्यादा मरीज आए सामने, कोरोना से 614 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना को लेकर सीएम केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, कहा दिल्ली में जल्द हटाए जाएंगे कोविड-19 प्रतिबंध, वहीं देश में पिछले 24 घंटे में 2,55,874 नए मामले आए सामने। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके बर्फ से ढके, वहीं शिमला में बर्फ के साथ बारिश ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी। चाबहार पोर्ट के लिए भारत ने खोला तीसरा रूट, अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भारत और ईरान लगातार साथ मिलकर कर रहे काम, अब ईरान के चाबहार पोर्ट से नहावा शेवा और कांडला के बीच एक सीधा कंटेनर शिपिंग रूट स्थापित किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक पत्रकार को दी गाली, पत्रकार की महंगाई के मुद्दे पर सवाल पूछने पर राष्ट्रपति ने दबी आवाज में पत्रकार को दी गाली। यूक्रेन को लेकर अमेरिका और रूस के बीच तनाव का माहौल, रूस के हमले के डर से अमेरिका ने अपने सैनिकों को किया अलर्ट, अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी यूक्रेन में अपने दूतावास में मौजूद राजनयिकों के परिवारों को वापस बुलाने का लिया फैसला। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के एक मैच के दौरान कैमरून के एक फुटबॉल स्टेडियम के बाहर मची भगदड़, हादसे में दबकर कम से कम 8 लोगों की गई जान। जर्मनी की हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में हुई फायरिंग में कई लोग हुए घायल, वहीं जर्मनी पुलिस ने हमलावर को उतारा मौत के घाट, हमलावर कौन था इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। SBI दे रहा एक्स्ट्रा कमाई करने का शानदार मौका, SBI ATM की फ्रेंचाइजी लेकर आप हर महीने हजारों की कमाई घर बैठे कर सकते हैं। कोरोना की मार से काफी हद तक उभरी भारतीय अर्थव्यवस्था, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने केंद्र सरकार को दी सलाह, कहा सरकार को वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटे को आधे से 1% तक कम करना चाहिए। क्रिकेटर विराट कोहली के समर्थन में आए भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री, कहा दक्षिण अफ्रीका की कमजोर टीम से टेस्ट और वनडे श्रृंखला हारने के बावजूद घबराने की जरूरत नहीं और इस अस्थायी दौर से टीम जल्द ही उबर जाएगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनी रॉय ने शादी की खबरों के बीच पकड़ी गोवा की फ्लाइट, पत्रकारों ने दी बधाई तो बोली शुक्रिया। बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र हुए ट्रोल, धर्मेंद्र ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फोटो शेयर करते हुए लिखा था कि मैं आपको सलाम करता हूं नेताजी, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाई जा।